कन्वीनर दिल्ली ना रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 20 जुलाई नी रात्रे सूरत एरपोर्ट पहुंचिया था। आम आदमी पार्टी ना राष्ट्रीय कन्वीनर दिल्ली ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 20 जुलाई नी रात्रे सूरत एरपोर्ट पर पहुंचिया था। एरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी ना प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख किशोर भाई देसाई और साथी नेताओं तथा कार्यकरोए अरविंद केजरीवाल नो उष्माभर्यु स्वागत कर्यु हतु। रात्रे केजरीवाल जीए राज्य नेताओं साथ संगठन पर महत्वपूर्ण चर्चा करी थी। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, दूसरी गारंटी। अब अगर मैं कहूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी, पावर कट नहीं लगेंगे, पावर कट नहीं लगेंगे। मुझे पता चला कि कुछ कुछ इलाकों के अंदर गुजरात में पावर कट लगते हैं, शहर में भी गांव में भी। नो पावर कट, दिल्ली के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है भारत के अंदर, ये एक मैजिक है। 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना ये एक मैजिक है, और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता, किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता। कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे दूंगा, मत मानना, केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी है, केवल मुझे आता है। तो अभी मैंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, अब गुजरात के अंदर भी करके दिखाया। और तीसरी चीज, हमारे पास बहुत लोग आए गुजरात में, गुजरात में पंजाब में जाते थे, वहां भी आते थे लोग, अपने बिल लेके आते हैं। छोटा सा घर है, बिजली एक पंखा एक टीवी दो चार, और 50,000 का बिल आ गया, 70,000 का बिल आ गया, बिल गलत है। फिर वो जब ठीक कराने जाते हैं तो वहां पे जो बाबू बैठा होता है वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, 5,000 रुपए मुझे दे दो, मैं ये कम कर दूंगा। होता है कि नहीं होता ऐसे? झूठा बिल भेजते हैं, फिर बिल कम कराने के पैसे लेते हैं। तो हमने दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया। अगर ये पुराने जितने बिल हैं इनको अगर ठीक करना चालू कर दें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इनको ठीक करने के लिए, और कितने आदमी बिठाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए। तो अगर मैंने आपके 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी तब भी आपको फायदा नहीं होगा, अगर आपका पिछला 50,000 रुपए का बिल आया हुआ है वो तो आप चक्कर काटते रहोगे, चक्कर काटते रहोगे। तो हमने तय किया है कि 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे।